पूरा साफ है जो कि कुएं में है। और देखिए हम बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं। और आइए दोस्तों, आज नागपंचमी का दिन है और हमारा लक्ष्य है दोस्तों सांपों को बचाना। और आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम तकरीबन मुलताई से 20 किलोमीटर रन करके आए हैं। यहाँ पर साफ होने की जानकारी थी। ये खेती किसानी का एरिया है, खेत है यहाँ पर। और दिलीप रघुवंशी जी है जिनके कुएं में साफ है और ये तकरीबन 3 दिन हो गया है इसको यहाँ पर है। तो इन्होंने हमें सूचना दी और इसकी जान बचाने के लिए हमें कहा गया, तो हम यहाँ तत्काल पहुँचे दोस्तों। और ये देखिए कोबरा साफ है। और एक कोबरा साफ दोस्तों पानी में रहने वाला जीव नहीं है, दोस्तों इसे इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा और गेहूवन सांप और नाजा साइंटिफिक नेम दोस्तों इसे कोबरा की कोबरा नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों इसका रेस्क्यू करते हैं। ये पानी में रहने वाला जीव नहीं है और इसका रेस्क्यू करके लेके चलते हैं इसे पर्यावरण की ओर। और इसे छोड़ दिया जाएगा पर्यावरण में। बच्चा दोस्तों ये शायद 2-3 दिन से यहाँ पर है और इसका रेस्क्यू भी कर चुके हैं। देखिए दोस्तों ये स्पेक्टिकल कोबरा और इसका रेस्क्यू कर लिया है दोस्तों। ये ध्यान रखिए जहरीला सांप है, इससे दूरी बनाए रखिए। अगर इसका बाइट हो गया तो मरना निश्चित है। और दोस्तों अगर कभी कोबरा बाइट कर ले या कोई भी सांप बाइट करे दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल का सहारा ले और तत्काल इलाज करें। और देखिए कितना ऊंचा फन उठा रहा है हमें डराने के लिए। और ये दोस्तों तकरीबन 3 दिन से पानी में था। कहीं ना कहीं सांप जब पानी में रहते हैं तो थोड़े सुस्त हो जाते हैं, अगर रूप उसका वही है तो। आइए दोस्तों इसका रेस्क्यू कर चुके हैं हम। और दिलीप सूर्यवंशी जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जो कि उन्होंने सांप को मारा नहीं और हमें कॉल किया और तत्काल यहाँ बुलाया और आए हैं और इसका रेस्क्यू भी कर चुके हैं दोस्तों। आज नागपंचमी है, नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और इसे लेके चलते हैं दोस्तों पर्यावरण की ओर। देखिए आक्रामक रूप। और ये बहुत ही गुस्से में है दोस्तों, आक्रामक रूप दिखा रहा है ये अपना। और पानी में थक गो ना जी, जाऊ पानी में तो रेत नहीं है। देखिए ये होते हैं कोबरा सांप का आक्रामक रूप। ये चिखली गला है दोस्तों जो कि मुलताई से 25 किलोमीटर दूरी पे है और मुलताई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है ना कि छिंदवाड़ा में आता है? नहीं, हाँ मुलताई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला चिखली गांव। देखिए इसका रूप स्वरूप कितना ज़बरदस्त है। आज इनकी पूजा की जाती है, शायद यहाँ दूध भी पिलाया है। पिला दो भैया उनको। नहीं भैया, भाई साहब दूध नहीं पीता सांप, कभी दूध नहीं पिलाना है ना सांप कभी भी। इस वक्त कोई भी सांप दूध नहीं पीता है। देखो तो ट्राय नहीं, मर जाएगा वो, ऐसा नहीं करना। उसको खूब डसा उसने। हाँ दूध नहीं पीता है सर, डब्बा खोल के दे देना। वाली भगवान की वाणी की पीजिए वाणी। चलो आइए दोस्तों इसे लेके चलते हैं पर्यावरण की ओर। चेक कर देते हैं इसे डब्बे में। अच्छा दोस्तों देखिए इसका रेस्क्यू कर लिया है, थोड़ा सा आक्रामक रूप दिखा रहा है। इसमें दोस्तों ऑक्सीजन के लिए पूर्ण रूप से इसमें छेद करके रखे हैं, इसे किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा।
और आइए दोस्तों लेके चलते हैं इसे पर्यावरण। बहुत अच्छा काम किया आपने, और ये दो दिन से यहाँ कुएं में था ये, लेकिन मारने का मन था, लेकिन आप लास्ट टाइम हमारी जो यूट्यूब पे वीडियो देखी हमने आपके, हमको लगा कि इनको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया जाए तो बेहतर रहेगा, और आपके काम से बहुत खुशी मिली हमें, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे मुल्ताई क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक सांपों को नहीं मारने का एक सभी लोगों ने एक कसम से खा ली है कि नहीं मारेंगे, और आज देखिए मुल्ताई से 20 किलोमीटर दूर पे इस छोटे से जीव की एक छोटे से सांप है, जो कि इसकी जान बचाने के लिए हमें भैया ने इतने दूर बुलाया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करेंगे हम कि इनके मन में एक सांपों को, सांपों के प्रति एक ये आया है कि हम भी सांपों को ना मारें और बचाएं इन्हें, और पर्यावरण में ज़रूर छुड़वाए हमारे द्वारा, और हम इसका रेस्क्यू कर चुके हैं। आइए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये एक कोबरा सांप है जो कि चिखली से कुएं से निकाल के लाया हमने, इसे हम तत्काल यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, और आइए इसे यहीं पर्यावरण में रिलीज कर देंगे।